हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी भारत में आने वाले दिनों में जो बारिश की गतिविधियां होने वाली है वो किन राज्यों में देखने को मिलेगी, और साथ ही अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है जो कि अगले 24 से 36 घंटों के दौरान डिप्रेशन भी बन सकता है। तो इन दोनों सिस्टमों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अभी पर्वतीय राज्यों पे एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी इस सिस्टम के चलते 10 अक्टूबर को देश के पर्वतीय राज्यों के साथ यानी कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के साथ यहाँ पर हल्की वर्षा होगी, कहीं कहीं पर तेज़ वर्षा भी हो सकती है। साथ ही मैदानी राज्यों में पंजाब, हरियाणा के जो तराई से सटे हुए इलाके हैं यहाँ पर कुछ समय के लिए हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ 10 अक्टूबर को देखने को मिलेगी। उसके बाद में एक मजबूत शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ आएगा जो कि 15 अक्टूबर के आसपास आएगा। उस WD की अगर हम बात करें तो उस WD के प्रभाव से देश के कई राज्यों में, उत्तर पश्चिमी भारत में विशेष करके, मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी उस समय हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15, 16 और 17 अक्टूबर को 3 दिन उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों में ज़बरदस्त बारिश की एक्टिविटी होने की संभावना है, और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो कि पाकिस्तान के सेंट्रल भागों पर और इसके बाद राजस्थान पे ये सिस्टम रहेगा, जिसके चलते राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में मध्यम से हल्की से मध्यम वर्षा यहाँ पर होने की संभावना रहेगी। तो कहीं कहीं पर तेज़ वर्षा भी देखने को मिल सकती है, विशेष करके राजस्थान के भागों में, यानी कि राजस्थान में उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भागों में रेनफॉल एक्टिविटी होने की संभावना है, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर से लेकर के हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर तक के रेनफॉल एक्टिविटी यहां पर होने की संभावना रहेगी। साथ ही वहीं पर हरियाणा, पंजाब के भी कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, करनाल, पानीपत, सोनीपत, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, दिल्ली NCR और आसपास के भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश 15 से 17 अक्टूबर के बीच में होने की संभावना रहेगी। पंजाब के भी कई क्षेत्रों में अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, यहाँ पर कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना बन रही है। 10 अक्टूबर को भी पंजाब के कुछ भागों में वर्षा होगी, लेकिन 15 से 17 अक्टूबर के बीच में मध्यम दर्जे की बारिश पंजाब, हरियाणा के भागों में देखने को मिल सकती है। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में बारिश होने की संभावना नजर आ रही है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, लखनऊ तक बारिश की एक्टिविटी होने की संभावना रहेगी उत्तर प्रदेश के भागों में। तो वहीं पर मध्य प्रदेश के भी कुछ उत्तरी इलाकों में, उत्तर पश्चिमी जो जिले हैं, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, मुरैना और राजगढ़ के आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि मध्य प्रदेश के भागों पर बहुत ज़्यादा बारिश इस WD के प्रभाव से होने की संभावना है नहीं, लेकिन उत्तरी भागों में हल्की फुहारें देखी जा सकती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अरब सागर के जो दक्षिणी इलाके हैं, दक्षिण पश्चिमी भागों पर एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है और ये सिस्टम अगले 24 से 36 घंटों के दौरान डिप्रेशन बनने की संभावना नज़र आ रही है, लेकिन ये सिस्टम भारत के राज्यों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा नहीं। फिर भी इस सिस्टम के प्रभाव से दक्षिण में कुछ एक्टिविटी होने की संभावना रहेगी जो कि अगले 2-3 दिनों तक यहाँ पर जारी रहने की संभावना है। केरल, कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक के भागों में और साथ ही कोंकण गोवा के कुछ भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है, जबकि कोस्टल कर्नाटक, साउथ इंटीरियर कर्नाटक के भागों में तेज वर्षा भी इस दौरान देखने को मिल सकती है। ये सिस्टम उसके बाद में दक्षिण पश्चिम की तरफ आगे बढ़ेगा, यानी कि भारत की तरफ इसके आने के चांसेस बहुत कम है और बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होगा नहीं। हालांकि डिप्रेशन तक इसकी कैटेगरी जा सकती है, साइक्लोन जैसी इसकी कोई गतिविधियां होने की संभावना है नहीं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बहुत ही जल्द चक्रवाती सिस्टम बनने जा रहा है 20 से 22 के बीच में। उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे विस्तार से।